नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वैब पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। नहर में नहाने गए दो युवकों की गहराई में डूबने से मौत। थाना क्षेत्र के गांव नेनखेड़ा निवासी युवराज उर्फ चीकू पुत्र रविंद्र 20 वर्ष से देवेश पुत्र रविंद्र 20 वर्ष से सहारनपुर में पढ़ते थे। सोमवार को भयंकर गर्मी होने के कारण दोनों अपने गांव से थोड़ी दूर पूर्वी यमुना नहर में नहाने के लिए चले गए। नहाते समय दोनों युवक नहर के बीच में गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। दोनों को डूबता देख अभिषेक पुत्र गोकुल निवासी खेड़ा ने शोर मचा दिया, जिस पर पूर्वी यमुना नहर पटरी से गुजर रहे लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों युवकों की पानी में डूबने से मौत हो चुकी थी। घटना से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। नानोली में आग से पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे सांसद हाजी फजलुर रहमान। लोकसभा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने बेहट कोतवाली क्षेत्र के गांव नानोली में आग लगने से 9 गरीब परिवारों के टीन शेड व फूस से घर जलने पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सांसद ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया और मौके पर ही सहारनपुर अग्निशमन विभाग के अधिकारियों प्रशासनिक अधिकारियों से पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के संबंध में भी वार्ता की। वहीं आपको बता दें कि सांसद हाजी फजलुर रहमान ने सरकार से बेहट क्षेत्र में फायर ब्रिगेड के स्टेशन को स्थापित करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन बेदी का बिजली की समस्या और किसानों की समस्या को लेकर बिजली घर पर धरना प्रदर्शन। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी व महासचिव कारी नौशाद के द्वारा विद्युत अभियंता सहारनपुर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन बेदी ने मांग की कि बिजली यूनिट को आधा किया जाए। वहीं शहर में 22 घंटे तो गाँव में 18 घंटे बिजली देने के वायदे को भी पूरा किया जाए। इसी के साथ भारतीय किसान यूनियन बेदी ने किसानों को लेकर सरकार द्वारा किए गए वायदे को पूरा न करने पर क्या कहा, सुनिए। मैं मीडिया के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने वादे किए हुए हैं, एक तो वो तुरंत पूरे किए जाए, और जो विद्युत विभाग भ्रष्टाचार करता है या विद्युत विभाग किसान मजदूरों को लारे लगाता है, टाइम पर उनका काम नहीं करता, ये मत सोचे कि आज अगर हम इकट्ठे हैं तो आज ये आश्वासन देंगे, उसके बाद भी मेरे किसान मजदूर भाइयों के साथ लारेबाजी नहीं होनी चाहिए, उनको चक्कर नहीं कटवाने हैं और उनके साथ भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आज तो हम आराम से बात कर रहे हैं, नहीं तो दोबारा आने वाले 10 दिन में मैं फिर दोबारा इसी बिजली घर में धरना दूंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक मेरे किसान मजदूर भाइयों की समस्या का निवारण नहीं होगा। रात के अंधेरे में चोरों ने 5 खेतों के नलकूपों पर किया अपना हाथ साफ। जनपद में जहां पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधों व चोरी की घटनाओं पर रोकथाम हेतु धरपकड़ अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं चोर भी रात के अंधेरे में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक वाक्यांश बीती रात्रि थाना सरसावा के गाँव बोनसा में हुआ, जब चोरों ने बोनसा निवासी चंद्रपाल राजकुमार नरेश पाल राजेंद्र बबलू के खेतों पर ट्रांसफार्मर नलकूप व तारों की चोरी की। जब पीड़ित को जानकारी लगी तो पीड़ितों ने तुरंत थाने में जाकर अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। रामपुर मनिहारन कस्बे की शहरी पुलिया पर ओवरब्रिज के निर्माण में बाधक बन रहे निर्माण को NHAI ने तहसील वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर ध्वस्त कराया। SDM ने बताया कि उक्त लोग मुआवजा लेने के बाद भी निर्माण नहीं हटा रहे थे। दिल्ली यमुनोत्री 709B हाईवे पर कस्बे में रेलवे फाटक ओवरब्रिज बनाए जाने के कारण निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुआवजा मिलने के बाद भी कुछ लोगों ने अपने निर्माण नहीं हटाए थे, जिन पर आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुए SDM संगीता राघव के नेतृत्व में तहसील टीम, पुलिस टीम व NHAI के अधिकारियों के साथ दिल्ली सहारनपुर रोड पर पहुंचे और रेलवे और ब्रिज के निर्माण में बाधक बन रहे निर्माण को JCB की मदद से ध्वस्त कराए। फरार चल रहे बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना रामपुर मनिहारन पुलिस ने बलात्कार के फरार आरोपी को धर दबोचा।
थाना रामपुर मनिहारन प्रभारी विशाल श्रीवास्तव द्वारा गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के बाद काफी समय से पुलिस से छिपते छिपाते घूम रहे बलात्कार के आरोपी गुलशन उर्फ जानू नाई नगली माजरे को इस्लाम नगर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरकार के निजी स्कूलों के प्रति मनमानी के विरोध में निकाली गई रैली। सरकार की निजी स्कूलों की अनदेखी के खिलाफ आज एक रैली निकाली गई जिसमें भारी संख्या में स्कूली शिक्षक अभिभावक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। रैली का मुख्य उद्देश्य आरटी के तहत निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों की 3 साल की फीस प्रतिपूर्ति ड्रेस किताबों का लगभग 1,000 करोड़ रुपए सरकार से निजी स्कूलों अभिभावकों को दिए जाने के संबंध में निकाली गई। रैली का शुभारंभ गंगो रोड स्थित चंद्र विहार कॉलोनी के द ग्रेट सनराइज स्कूल के प्रांगण से उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।